समाजवादी पार्टी कार्यालय एक शख्स पहुंचे हुए हैं अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए। क्या नाम है आपका और कहां से आए आप? मेरा नाम सुनील कुमार मलिक है, हम कानपुर से आए हैं। आपके हाथ में एक बैनर है जिस पर लिखा हुआ है पुलिस के दरोगा ब्रिजमोहन पाल द्वारा अपने पद व वर्दी का दुरुपयोग किया गया। क्या कुछ दुरुपयोग किया गया, क्या गुंडागर्दी की गई है, कई चीजें आपने इस पर लिख रखी है। सर, मेरा प्लाट 2007 में खरीदा गया है, उसके ऊपर बाउंड्री वॉल और एक कमरा बना था। ये दरोगा ब्रज मोहन पाल कानपुर में हमारे प्लाट के ऊपर बाउंड्री वॉल तोड़ के और कमरा तोड़ के उसके ऊपर बंदूक दिखा के कब्जा करता चला जा रहा, अपना बनाता चला जा रहा। हम जाते तो कहता भाग जाता गोली मार देंगे। इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी से की, किसी से की? कानपुर के जितने भी प्रशासन के आला अधिकारी दर्जनों बार दी है, लेकिन थाना और चौकी बिके हुए थे, इसलिए सीओ साहब ने खुद अपने हाथों से जांच की है। डीआईजी साहब के आदेश पर उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है कि 13 भू माफिया मिलके इसके प्लाट पे अवैध कब्जा कर रहे हैं। जो दरोगा हैं ब्रिजमोहन, क्या इनको भी भू माफिया बताया है? जी हाँ, ये भू माफियाओं की लिस्ट में 13 लोग, 20 ये भी हैं, इनका भी नाम दिया गया है। 13 लोग प्लस और भी निकलेंगे अभी। तो जो प्रशासन है वहाँ का क्यों नहीं खाली करा रहा, क्यों नहीं आपको प्लाट दिला रहा? प्रशासन सारा ये कह रहा है कि नीचे से लेकर ऊपर डीजीपी तक सबके सब ये कह रहे हैं, हम अपने ही डिपार्टमेंट के किसी भी मेंबर के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं करते, इसलिए आपकी कभी कोई सुनवाई कहीं पर होगी ही नहीं। क्या आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की कोशिश की थी? मुख्यमंत्री जी के निवास लखनऊ में मैं 25 बार आया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि उनसे मेल नहीं हुआ। मैं उसके बाद गोरखपुर 4 बार गया, 2 बार उनसे मेल हुआ, जनता दरबार में मैंने 2 बार उनको प्रार्थना पत्र दिए, 1 बार एप्लीकेशन मेरी गायब हो गई, दूसरी बार चली, लेकिन चूंकि थाना उनके साथ मिला हुआ बिका हुआ है तो लीपा पोती करके उन्होंने भेज दिया अपने अपने ही स्टाफ के पक्ष में रिपोर्ट तैयार करके। सपा कार्यालय आए हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात करने आए हैं, क्या मुलाकात आपकी हुई, क्या बात हुई? अखिलेश यादव जी को मैंने प्रार्थना पत्र दिया है, मैंने कहा मेरे प्लाट पे दरोगा एक कब्जा कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय ओम बिरला जी लोकसभा की स्पीकर साहब को हम देकर आए, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, आप कृपा करें ऐसी कोई हमारी मदद करें जिससे हमारा प्लाट हमें मिल सके ताकि उसके ऊपर सत्संग भवन का निर्माण करा सके। क्या आश्वासन दिया अखिलेश यादव ने? अखिलेश यादव जी ने कहा आप चिंता मत कीजिएगा, खाली चिंता नहीं कीजिए और कोई आश्वासन किसी तरह की कोई कार्रवाई करने की? नहीं कहा चिंता मत, चिंता मत, आप आश्वस्त हैं इनकी बात से? जब विपक्ष इस बात को अच्छी तरह उछालेगा तो 100% जो है काम होगा। तो जो ये आपकी जमीन है इसको कब आपने लिया था? 2007 में लिया था। 2007 में लिया था, बिल्कुल। ये कानपुर से आए हुए हैं, बुजुर्ग हैं, इनकी एक जमीन जो दरोगा है दरोगा ब्रिज मोहन पाल, इनके द्वारा कब्जा किया गया है। 13 भू माफिया के नाम जैसा कि दे चुके हैं, कई चीजें इन्होंने अपने बैनर में लिख रखा है। तो कानपुर से ये आए हैं, कई बार इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश की, कई बार कमिश्नरेट ऑफिस गए, कई जगह इन्होंने अर्जी लगाई, लेकिन फिलहाल इनका जैसा कहना है कि कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज इन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यालय, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव, उनसे मुलाकात की। उन्होंने फिलहाल आश्वासन दिया है कि कुछ ना कुछ देखते हैं क्या करना है। फिलहाल जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, अब देखना होगा कि जब ये अखिलेश यादव से मुलाकात करके जा रहे हैं तो विपक्ष इसको कितना मुद्दा बनाता है, कितनी इस पर बात करता है और क्या कुछ जो बुजुर्ग आदमी है जो कानपुर से इनको फायदा पहुंचता है। लखनऊ से सफी मट्टी, V9 भारत पर।